मैया का दर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। यही है गंगा मैया का वो दुर्लभ तस्वीरें जो दिखाने के लिए हम लोग करीबन 320 किलोमीटर की यात्रा तय कर आए हैं। तमाम लोग इस समय स्नान कर रहे हैं और करीबन 300 जो कांवरिया हैं वो स्नान कर देवघर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये सुल्तानगंज का वो नज़ारा है जिसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें गौर से जरा देखें। सुल्तानगंज का नज़ारा है जो तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि चास से चल के आए तमाम लोग इस समय गंगा स्नान का मजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है मेयर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है और साल में एक बार गंगा मैया का स्नान करने का मौका मिलता है श्रावणी में, और हम पूरे चास बोकारो के लिए कल्याण और सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हैं गंगा मैया से कि पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो, इसी के तहत हम सभी लोग आए हैं। और गंगा मैया को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माँ जितने भी लोग गंगा मैया का आराधना करने आए हैं सभी के मनोकामना को माँ जरूर पूर्ण करें। बिहार के सुल्तानगंज का है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि हम इस सुल्तानगंज से इसी तरह जल उठाएंगे और जल उठाकर हम लोग बाबा की नगरी देवघर जाएंगे जो झारखंड में पड़ता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस बार गंगा माता पूरी चरण पे है, उफान पे है। ऐसा लगता है कि गंगा का नज़ारा नहीं किसी समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। तस्वीरों में दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ अपार भीड़ है और लोग इस जन सैलाब की तरह यहाँ पे जल उठाने के लिए आए हैं और जल उठाकर झारखंड के देवघर जाएंगे। तो हम लोग भी देवघर जाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? तस्वीर को लगातार हम दिखाते चल रहे हैं आपको। हमारे साथ अभी छोटा भाई प्रेम पासवान जी है जो करीबन 6 सालों से लगातार आ रहा है। कैसा लगता है, क्या लगता है, क्या अलग नज़ारा हर बार? बहुत ही आनंद आता है। 2012 में मैं तो नहीं था सेवा में, आज 2013 से लगातार हर साल आ रहे हैं। भैया की सेवा का मेवा प्रेम पासवान 6 सालों से खाते आ रहे हैं। भैया ने
ने सेवा का धर्म उठाया था और मेवा खाने के लिए गंगा स्नान करने के लिए प्रेम पापा जल चढ़ाया करते हैं, उस जल को संकल्प करना कितना जरूरी होता है हमारे साथ बताने के लिए पुजारी जी क्यों संकल्प कराया जाता है गंगा जल को उठाने के बाद, क्योंकि गंगा तो खुद होता है फिर भी संकल्प। संकल्प का मतलब हुआ कि गंगा महारानी से आज्ञा दिया जाता है कि माँ गंगा हम इस जल को उठा करके अब बाबा बैद्यनाथ के पास लेते जा रहे हैं, ये मेरा संकल्प है कि यहाँ से उठा करके हम वहाँ जाते हैं। ये प्रथा तो समझिए अनादि काल से है, यहाँ पर जाह्नवी मुनि रहा करते थे, गंगा जब उधर से आई तो गंगा महारानी वो तपस्या करते थे, तो गंगा महारानी तो तपस्या करते थे, तपस्या में उनको थोड़ा सा बाधा हुआ तो गंगा महारानी को यहाँ पर वो ग्रहण कर लिए, तो सब देवता लोग सब बोलने लगे कि भाई आगे पृथ्वी का कैसे होगा कल्याण, तो इसके बाद फिर सब उनके जंघा से होते हुए गंगा यहाँ से निकली, तो यहीं से गंगा का नाम जो है वो जाह्नवी गंगा पड़ता है, इससे पहले वो भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। ऐसा क्यों रस्म है कि देवघर में जल उठाने के लिए लोग सुल्तानगंज से? ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि राजा रामचंद्र भगवान जब आए 14 वर्ष का वनवास काट करके, जब उनका राज्याभिषेक होने लगा तो उनका कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले कि ऐसा है कि आपको ब्रह्म हत्या कर दिया है, तो जब तक ब्रह्म हत्या का दोष का निवारण नहीं हो जाता है तब तक आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, तो बोले क्या इसका क्या है निदान, बोले क्या कि आपको जलाभिषेक करना होगा भोलेनाथ को, जल उठा कर करके लेते गए तो फिर उसके बाद से परम्परा चल रही है। स्नान ध्यान उसके बाद होगा सेवा, हमने पहले ही आपको बताया था कि करीबन 2 दिन पहले बोकारो स्टील सिटी से करीबन 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग पहुंचे हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज में आकर अभी गंगा स्नान हुआ है और तमाम डाक सेवा दल के नौजवान तैयार हो गए हैं उन 300 डाक कावरियों को सेवा देने के लिए जो लोग जल उठाकर देवघर के लिए रवाना हो गए हैं। हमारे साथ कई नौजवान हैं जिनसे बात करेंगे, सेवा के लिए तैयार है।